प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार में बारिश और उसके कारण बाढ़ का कहर, राजधानी पटना से लेकर कई जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के कारण कई जगह जलजमाव का नजारा देखने को मिला। मिठनपुरा स्थित रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने से पटरी डूब गई। मानसून ने मुजफ्फरपुर में 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर शहर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां जलजमाव देखने को नहीं मिले। कलमबाग चौक, मेहंदी हसन चौक, ब्रह्मपुरा जैसे इलाकों में घुटने भर पानी भर गया है। कलेक्ट्रेट, सदर अस्पताल, नगर निगम, SSP ऑफिस, कोर्ट परिसर, ब्रह्मपुरा, बेला थाना में पानी घुस चुका है। जलजमाव से परेशान मुजफ्फरपुर के लोगों ने मानसून पूर्व की तैयारियों पर भी सवालिया निशान खड़ा करना शुरू कर दिया है। बारिश की उम्मीद लगाए लोगों को राहत कम, आफत ज्यादा मिली है। दरअसल बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है। राजधानी पटना भी जलजमाव से अछूता नहीं है। पटना के कई इलाकों में बारिश के कारण जलजमाव देखने को मिला। इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतें हुई। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं, पानी घटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जबकि नेपाल में बारिश के कारण गंडक बराज के सभी 36 गेट को खोल दिया गया है। बताया जाता है कि गंडक बराज में 4.50 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारियों को विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जा सके। पिछले 24 घंटे में नेपाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश के कारण बागमती, कमला बलान समेत दूसरी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न इलाकों में अगले 48 घंटे के लिए विशेष अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जाता है कि राज्य के करीब 156 पंचायतों के 3,00,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 15,000 लोगों को रिलीफ कैंप में रखा गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राहत कार्य चलाने में विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।